दयाल सिंह स्कूल सेक्टर 7 के बच्चों द्वारा आज लघु सचिवालय करनाल में पहुंचकर ऑनलाइन पेपर लेने की मांग उठाई गई है। इस दौरान बच्चों ने बताया कि अध्यापकों द्वारा पूरे साल व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाई गई, परंतु अब बच्चों के पेपर ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य स्कूलों में भी जो CBSE से जुड़े हैं ऑनलाइन ही पेपर लिए जा रहे हैं, परंतु दयाल सिंह स्कूल सेक्टर 7 द्वारा ऑफलाइन पेपर करवाने की बात कही जा रही है, जिसमें सभी बच्चे असहमति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई तो ऑफलाइन पेपर कैसे बच्चे दे सकते हैं, इसलिए आज यहां DC कार्यालय में पहुंचकर ये मांग की गई है कि स्कूलों के जो सालाना पेपर हैं वह ऑनलाइन ही लिए जाएं, ताकि बच्चों का कोरोना काल के चलते जो एक साल खराब हुआ था वह बच सके और बच्चे अपनी पढ़ाई आगे निरंतर जारी रख सके। बताते चले कि लगभग 50 के करीब बच्चे लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त से ऑनलाइन पेपर लेने की गुहार लगाई गई। और हम यहाँ पर DC ऑफिस पहुँचे हैं अपनी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। हमें सारे स्कूल्स को ऑप्शन मिले हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन। हमारे स्कूल में हमें कह रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर देना है, डेट शीट भी आ गया, जबकि हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन के मीडियम से हुई है। कोई रिवीजन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ बीच में, तो हम पेपर कैसे देंगे? जब ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, सब स्कूलों के हो रहे हैं, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं कर रहा? सभी स्कूल CBSE रेफर्ड है, तो सबके साथ या तो सबके ऑफलाइन हो या सबके ऑनलाइन हो, रूल इज सेम फॉर ऑल। एंड हम वही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ भी रूल के साथ ही हो, हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम दयाल सिंह सेक्टर 7, हमारी सारी 11th क्लास के बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने स्कूल में हमने सबने एप्लीकेशन भी दी थी, उन्होंने कहा हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाला जाएगा। तो आपको टीचर्स क्या बोलते हैं? हमें टीचर्स ने ये बोला कि हम आपकी एप्लीकेशन हमने ले लिया और हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, वेट करो, हम वेट रखें, ये बोला टीचर ने। हमने सोचा कि यहाँ पे कोई बात नहीं बनने वाली, इन्होंने यही बोला कि हम ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपनी फरियाद लेके DC सत्र पे पहुँचे कि हमारी कोई ना कोई समाधान होगा। तो ऑफर्स दिए गए हैं, आप बता रहे हैं कि ये सभी स्कूल को ऑफर्स दिए गए हैं, हाँ। टीचर क्या कहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे या ऑफलाइन एग्जाम? टीचर कह रहे हैं हम ऑफलाइन ही लेंगे, हम दूसरे स्कूलों का क्या लेना, हम अपने स्कूल की बता रहे हैं। तो सारे स्कूल CBSE रेफर्ड है, हमारा स्कूल भी CBSE रेफर्ड है, तो CBSE का रूल सबके लिए सेम होता है, सबके ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन है, तो हमें भी ऑप्शन चाहिए। कौन सी क्लास है? 11th। तो क्या समझते, क्यों नहीं ऑप्शन दिया जा रहा आपको? उनको उनके कुछ ना कुछ चाल होगी इसमें, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे स्कूल वाले कि बच्चों ने हम या तो फेल करें, पूरा साल फेल कर दे, पूरे साल की मेहनत बर्बाद जाएगी। जैसे उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाया वैसे ही हम ऑनलाइन में पेपर देंगे। जैसे उन्होंने क्लासेज लगाई है, उनको ये थोड़ी ना पता था वो ऑनलाइन पे भेज देते थे क्लास, कौन बच्चा अटेंड कर रहा है, कौन बच्चा कहाँ पे है, ये किसी को नहीं पता। और ये रियलिटी है कि कोई बच्चा ऑनलाइन पे इतना अच्छा नहीं पढ़ा होगा जब ऑफलाइन में पढ़ता था कोरोना से पहले, जब सारा साल ऑफलाइन में ऑनलाइन में निकाला है, तो अब ऑफलाइन पेपर क्यों दे? जो आपके डाउट्स थे वो भी नहीं क्लियर हो पाते थे पूरे? अभी नहीं, डाउट्स तो कभी लिए ही नहीं सर, डाउट्स होते थे मैम फोन करके एक आधी बार पूछ लेते कोई डाउट है। एक बात बताओ सर, जो मैम ब्लैक बोर्ड पे करा रही है, बच्चा वहाँ पर हैंड रेज करके कह देता है मैम मेरे को ये समझ नहीं आया, यहाँ से आप ये पॉइंट क्लियर करो। ऑनलाइन में मैम वीडियो रिकॉर्डेड करके भेजती थी, उसमें हम कहाँ स्टॉप करें, स्टॉप करेंगे वीडियो पॉज हो जाएगी। एक आधी क्लास लगी थी लाइव, उसमें बच्चा पूछ लेता था जो पूछना था। वैसे हमारी ज़्यादातर आप व्हाट्सएप पे आती थी क्लासेस सारी, उसमें कहाँ बच्चा रोकेगा किसी को, कहाँ कोई डाउट क्लियर होएगा, कहाँ बच्चे को कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा किसी भी बच्चे को। कितने स्टूडेंट इकट्ठे होकर आए हो आज? आज हम 50 स्टूडेंट्स आए थे, बाकी भी स्टूडेंट्स थे वो स्कूल से अब किसी को कहीं जाना पड़ता है तो सारे चले गए हैं, अब यहाँ पर इस टाइम हम 50 स्टूडेंट्स थे। DC सर के सामने फरियाद लेकर आए हो? हाँ जी, हम अपनी प्रस्थान रखेंगे DC सर के सामने, हमारी ये बात है। तो सर हमें पूरा विश्वास है हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, सबके जैसे सबके साथ है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन मिलेंगे। हम कब से एग्जाम होने वाले हैं? 6th of March होने वाले हैं, ठीक है ना बेटा आपका? प्रिंस, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।